माय गॉड, आप देखेंगे एकदम। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, आपको फिर से स्वागत है हमारे स्नैक डेस्क मुजफ्फरपुर यूट्यूब चैनल पे। और अभी अभी पीएनटी के पीछे हम लोग आ गए हैं और इनके यहाँ जो कोई सांप देखा गया, लेकिन पता नहीं कौन सांप है। चलिए 2-4 मिनट का समय लेते हैं और उनके यहाँ सांप निकाल कर उनको सही सलामत पर्यावरण में छोड़ने का एक काम करेंगे। चलिए दोस्तों, और वीडियो पे आप लोग बने रहे, और आप लोग जो भी नए वीडियो व्यूवर है उन सबसे निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, क्योंकि हम लोग स्नैक रेस्क्यू करने का कोई चार्ज नहीं लेते हैं, लेकिन आने जाने में एक ट्रेवल होती है, जिसके कारण जो भी लोग स्वेच्छा से जो भी ट्रेवल्स खर्च दे देते हैं उसी पर हम लोग अपना काम चला लेते हैं, लेकिन डिमांडेबल हम लोग का नहीं होता। इसलिए चैनल को आप लोग जितना हो सके उतना सब्सक्राइब करें। इसी में और यही भाई साहब जो है, क्या नाम होगा आपका? दीपक कुमार सीनियर। दीपक कुमार सीनियर जी हो गए, इन्हीं का जो है कि क्या चीज का गोदाम है ये? ये वो प्लेट का है, प्लेट का। और इसी में कब सांप देखा गया? अभी 10-15 मिनट पहले। 10-15 मिनट पहले सांप देखा गया। चलिए देखते हैं आखिर कौन सांप है इनके। चलिए, कैसे क्या देखा गया इधर? मतलब इधर आके बताओ तो। ओह माय गॉड, यहाँ तो बहुत सारा जो है। बहुत सारा, इस सबको साइड करवाते हैं ना? वही तो देखा, वही तो साइड हो रहा था कि भागा है। देख कर भाग चले हैं। अच्छा, सांप से डर तो बना रहता ही है, अगर लाइट थोड़ा हो जाए। माय गॉड, जी हाँ। और ये बच्चा बहुत ही भागशाली था, ये कोई रेट स्नेक नहीं है, धामन सांप नहीं है, यानी कि कोबरा सांप बोलते हैं, बहुत ही नॉन वेनमस होता है, हाई वेनमस होता है। ये कैसे बच गए? ये सब हटाइए, हटाइए आराम से। ये देखिए किस तरह से जो है कि आने की कोशिश कर रहा है, और इसे हम लोग जाने नहीं देंगे क्योंकि हम अकेले हैं, इसलिए इसे अभी हम लोग अपने कैच कर लेते हैं अपने स्तर से, क्योंकि मैं यहाँ पर अकेले हूँ और हमारे यहाँ पर कोई टीम भी आज नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा पर्व त्योहार का समय है, जिसके कारण जो है कि टीम भी मेरा जो है अपने पर्व त्योहार में लगा हुआ है। सबका अपना अपना समय होता है, और किसी को परेशान भी उतना ही किया जाना चाहिए जो उचित हो। ओ माय गॉड, और हम लोग बाहर चलते हैं, और बहुत ही बिग साइज का। और यहाँ पे यही नहीं समझिए कि सारे घर वालों का जो है कि परेशानी था, वहां पे चले हम लोग। ये देखिए गजब का मतलब, और ये देखिए किस तरह से एकदम गजब का, बहुत ही ये हमारे जो भी लोग यहाँ पे साफ सफाई कर रहे थे, ओ माय गॉड, और किस तरह से बाइट करने की कोशिश करते हैं। अब ये जो है कि अपने आक्रामक मूड में, ओ माय गॉड। और ये अगर बाइट करता तो उसके शरीर में, जिसको भी बाइट करे उसके शरीर में बहुत सारा काफी जो है कि जहर को इंजेक्ट कर देगा, मतलब कि बहुत ही काफी जहर उसके शरीर में जाएगा, तो उसको इलाज के दौरान, इसलिए आप लोग इस सांप से बचे रहे, क्योंकि इसका इलाज के दौरान जो है कि एकदम 2 घंटे के सही समय में इलाज हो गया तो ठीक है, नहीं तो मौत निश्चित है। उसके बाद भी करीबन 30-35 हजार रुपया जो है कि आपको इसके एंटीवेनम में खर्च करना पड़ेगा। आप लोग जहां हैं वहीं पे खड़े रहे, वहां पे हम जाने नहीं देंगे, ठीक है? इसलिए भगदर आप लोग नहीं मचे, आप हम यहाँ आ गए ना, तो आप डर के भाग रहे, आप वहीं हैं, हम यहाँ है ना। चलिए इसको हम, ओ नो, देखिए किस तरह से, और आवाज सुनने की कोशिश करें, एकदम गजब का अटैकिंग मुद्रा में। और पहले ये सांप जो है कि हम लोग से भागने की कोशिश करता है, लेकिन जब ये हम घिर जाता है तब जाकर जो है कि एकदम अटैकिंग मुद्रा में आ जाता है, क्योंकि इस सांप को जो है कि हम लोग लड़ाकू के नाम से जानते ही हैं, और ये लड़ने के लिए एकदम उतावला रहता है, भागने के जो है ना कि नाम नहीं लेता। यही अगर ओ माय गॉड, आप देखेंगे एकदम आक्रामक मूड में। आप लोग के कॉलोनी में ये सबसे खतरनाक था, ना जाने कब जो है क्या कर लेता था। हाँ, आप
चलिए इसको सही सलामत हम लोग रेस्क्यू कर लिए और सही सलामत इसको जंगल में छोड़ देंगे। वीडियो पसंद है तो हमारा यूट्यूब चैनल स्नैक रेस्क्यू मुजफ्फरपुर को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना न भूले ताकि ऐसे ही बेजू बजानों का जान बचाया जा सके। फिर मिलते हैं ऐसे ही रोचक और खतरनाक अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।